Ladies and gentlemen, Farah Hussain. Assalamu alaikum and welcome at Weekend at Global. और मुझे यकीन है कि हमारे तमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तानी जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जब लोग ये सोचते हैं कि हमने हनीमून मनाना है, क्रिसमस मनानी है, न्यू ईयर मनाना है, तो पाकिस्तानी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं हमने सर्दियाँ मनानी हैं, हमने बर्फ़ देखने जाना है। इसलिए कि हमारे यहाँ पर ये बड़ी एक्साइटिंग किस्म की हैपनिंग्स होती हैं जो आपके यहाँ पर बड़ी फरवानी से दस्तयाब हैं, और यहाँ पर ये तमाम नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो हम बड़ी खुशदिली के साथ और बड़ी खुशजौकी के साथ सर्दियाँ मनाते हैं, और उसके साथ साथ हम बर्फ़ देखने जाते हैं। जहाँ पर आप कोई भी और वेकेशन वगैरह प्लान करते हैं और इन्जॉय करते हैं, वहाँ पर हमारे इवेंट्स कुछ इस किस्म के होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर टेस्ट नहीं है, हमारे अंदर फ्लेवर नहीं है। डेफिनेटली बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की, जो हमारा यहाँ पे कल्चर है, जिस तरह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में एक्साइटमेंट ढूंढ लेते हैं। रोड पे बंदर का तमाशा हो रहा हो तो कितने हम लोग खुश हो रहे होते हैं, कितना उसको इन्जॉय कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ भले कम होती हैं, लेकिन हम उसे जिस तरह से एक्सपेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी में और जिस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, दैट मैटर्स। और इसी को जहन में रखते हुए हम प्लान करते हैं अपना प्रोग्राम वीकेंड एट ग्लोबल, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको आप इन्जॉय कर सकें। जिसमें सबसे पहले तो मेरे साथ होते हैं दिलदार और शगुफ्ता, और म्यूज़िक का तड़का होता है शाहरुख की तरफ से, जो कि आप बहुत इन्जॉय करते हैं। और अब वक्त है कि हम मिलें अपने आज के मेहमान से। मेरे मेहमान बहुत ही टैलेंटेड, लोग छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ सफ़र करते हैं, इन्होंने भयक वक्त जो है छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन पे धमाका किया, और इनकी जो पहली एंट्री थी वही इतनी शानदार थी कि हमें आज तक नहीं भूली और ना हमें भूलेगी। लेकिन हर आने वाला जो इनका नया प्रोजेक्ट है हमें इनसे एक नया इंट्रोडक्शन कराता है, और आज मज़े की बात यह है कि हम भाभी से भी मिल रहे हैं। सो हिना शामिल एंड शामिल खान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसी हैं आप भाभी? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। फाइनली बैठी। अच्छा, कितना मिस्टर एंड मिसेस शामिल खान चलता है और कितना हिना शामिल एंड शामिल खान चलता है? और कितना शामिल का हस्बैंड, हिना का हस्बैंड चलता है? सबसे ज्यादा तो हिना शामिल चलता है। अच्छा। उसके बाद फिर शामिल खान चलता है। उसके बाद फिर शामिल खान चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक। कांग्रेचुलेशंस। प्रोजेक्ट्स अपकमिंग भी दो फिल्में जो कि आ रही हैं, जबरदस्त। मैंने मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 10 साल का मेरा गैप था फिल्म्स में। 2010 में मैंने वो जो लॉलीवुड हमारा लाहौर वाला लॉलीवुड था, हां वो बैठा। उसके बाद फिर वो जो एक 10 साल का पीरियड वो फिर मैंने नहीं किया, लेकिन अब ये है कि हमारा रिवाइवल है और अब जो मौला जट लगी है उससे और ज्यादा पकड़ने का दिल था आपका। ओए मैं नहीं कर सकता। नहीं, एक आध मैंने की, दो तीन पंजाबी फिल्म्स की हैं, लेकिन उसमें गंडासा नहीं था। हाँ। तो अच्छी मजे की रजिया भट्ट का नॉवल था, एक संगीता जी की फिल्म थी, एक हसन नस्करी साहब की थी, तो मजे का था। लेकिन अब जो सिनेमा है टोटली चेंज, अब डिजिटलाइज हो गया सारा, तो अब करने में और मजा आया। वो गुज्जर दा खड़ाक जो है वो द एंड पे कहीं आया है ना, लेकिन अभी भी वो पैरेलल चल रही है थोड़ी बहुत। इसे की व्यूअरशिप है। अगेन नॉट, ये नहीं कि हमारा वो एक जाहिर है, एक पख्तून पश्तो कल्चर, पंजाबी कल्चर अपनी जगह पर है। सो ये कैसे तय हुआ कि जी शामिल खान जो है वो फिल्म स्क्रीन से पे धमाका करेंगे? ये कैसे तय हुआ था, कब सोचा? नहीं था बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और मतलब बस हो गया है। अच्छा, ये जो खड़ाक आपका था पंजाबी, उसके साथ मैं नाम नहीं लूंगी भाभी फिल्म के साथ जबरदस्त सा, ये कैसे इत्तेफाक हुआ था? अच्छा, मैं आपको वही जो हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी कि बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था कि मैं शोबिज में आऊंगा या फिल्म्स करूंगा, और फैंटेसाइज करता था मैं चीज़ों को और स्क्रीन को, बड़ी स्क्रीन को जब हम देखते थे छोटे थे, लेकिन प्लान नहीं था। इट हैपेंड, और मेरा ख्याल है कि मैं पहले जब जॉब कर रहा था तीन जगह मैंने की जॉब, एक पीपीआई था पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल,
उसके बाद मैं बैंक में आया, उसके बाद फिर एक फ्रेंच एंड अमेरिकन फर्म थी ऑयल कंपनी, उसमें आया. तो वो मेरा 4-5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस था. तो वो मैंने नहीं सोचा था कि आऊंगा. तो फिर कैसे? बस बसंत पे हम जाते थे हर साल और उधर हमारी मुलाकात हो गई नूर साहब से और फिर बस उन्होंने कहा ये लड़का अच्छा है क्योंकि आपकी आंखें और उनकी आंखों का रंग एक जैसा है दोनों है ना. तो बस और भाभी से मुलाकात कब हुई? नहीं भाभी बताएंगी हमें. भाभी कब, कहाँ, कैसे, क्यों? क्यों क्यों हम लोगों की माशाल्लाह शादी को ऑलमोस्ट 16 ईयर्स स्टार्ट हो जाएगा. तो बस थ्रू फैमिली हम लोगों के थे, एक एक्वेंटेंस आप कह दें, उनके थ्रू फिर हुआ था. यानी एक अरेंज मैरिज. यानी नो लव मैरिज. अभी तक नहीं मानती. मैंने इसको देखा भी मंगनी के दिन देखा है इसको मैंने प्रॉपर, जो बंदा दिल खोल के देखता है ना कि अच्छा प्रॉमिस. ये नहीं मानते थे ना मंगनी के बाद घर पे खाना खाने, क्योंकि फैमिली इनकी सारी इस्लामाबाद में थी और ये वहाँ पे अकेले रहते थे. तो बहाने से रोजाना आ जाते थे, आज माछी दाल बनी है तो शामिल खान साहब आ रहे हैं, रोटियां मैं बना रही हूँ. और फिर मुझे कहते हैं मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम मंगनी के बाद शादी वाले दिन देखा था. मैंने कहा रोटियां फिर कौन खाता था आगे इतनी. असल में वो रोटियां देखते थे, आपको नहीं देखते थे. रोटियां पसंद आ गई है ना उनके, इतना सोना खाना पकाना करनी. ओह यस, ते वे ही खड़काओ हैं माशाल्लाह. इना ना तको ना जी, अरेंज मैरिज हुई. असा नहीं पता है किस तरह मैरिज हुई. किस तरह? एक्सचेंज मैरिज. एक्सचेंज मैरिज. हाँ तुसा की नहीं पता एक्सचेंज मैरिज ना. मतलब क्या? वटा सटा. वटा सटा. ए इसने प्रभु नाल माड़ी भैन नाल विआ आया ते इसने माड़े नाल होया. हां जी दिस इज वटा सटा. तुसा नी जुबान इच एक्सचेंज मैरिज. हां जी ओ बों खुश है मेरी पजाई जड़ी है ते मेरी ते जिंदगी तबाह हो गई है. हां ते ठीक है ना. उधर तको ना, ए तको ना शामिल खान, इधर तको हरमिल खान. अच्छा भाभी कभी मतलब ये वाली नोकझोंक आपकी भी हुई? नहीं नहीं, हल्की फुल्की होती है वो भी. मैं जबरदस्ती कभी कर लेती हूँ, कभी तो लड़ लिया करें. मैं जबरदस्ती कर लेती हूँ? हाँ. अच्छा उधर से कोई मतलब बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज नहीं होता? नहीं नहीं, आज तक नहीं हुआ. होता है हल्का फुल्का, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बाद फिर ओके हो जाते हैं. जी तो इतना वाइज आदमी कौन था भाई जिसने इतना चांद सूरज की जोड़ी मिलाई है? कौन था इतना समझदार जिसे? पेरेंट्स. So, आपने क्या अम्मा को सब दिल खोल के बताया हुआ था लड़की कैसी होनी चाहिए या छोड़ा हुआ था? पता है असल में मैं जितने अब जो अभी गैर शादीशुदा हैं जो मुझे मिलते हैं और बता कहते हैं कि एक्सपीरियंस बताओ, तो जब तक लड़कियों का मैं नहीं बता सकता इसलिए कि लड़की क्या सोचती है क्या करती है, आई हैव नो आइडिया. लेकिन एक मेल के लिए मेंटली बहुत इम्पोर्टेंट है शादी के लिए रेडी होना पहले. राइट. सिर्फ प्यार मोहब्बत में शादी नहीं होती. मतलब उसके लिए यू हैव टू मेंटली, इसलिए कि रिस्पांसिबिलिटी है उसके बाद. वो प्यार मोहब्बत नहीं है, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी. तालियां बजाएं शामिल के लिए. व्हाट अ वाइज मैन. ये बहुत कम लोग ये समझते हैं. लोग समझते हैं आज मिले वो अच्छा लगा, मैं अच्छा लगा, लव हो गया, बस शादी हो गई. ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है. आपकी तरफ से क्या प्रायोरिटीज थी? उन्होंने तो देखा होगा कि लड़की खूबसूरत है, अच्छी है ना, सुघड़ है, सलीकामंद है, नेचर की, तबीयत की अच्छी है, फैमिली अच्छी है. आई होप कि फैमिलीज जब देखती हैं तो यही फैक्टर्स देखती हैं. आपको जब बताया गया कि लड़का तो काम करता है टीवी में, तो फिर क्या सवाल है? कोई जैसे मेरी फ्रेंड्स भी और बाकी फैमिली की जो थी, मेरी कज़न्स वगैरह और बहनें वगैरह, वो भी यही कहती थी कि देख लो लड़का टीवी में आता है. मैं कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शामिल बहुत अच्छे इंसान है. और दूसरा मैं देखती हूँ कि फैमिली और जो बंदा रिस्पेक्ट करने वाला हो. True. क्योंकि इसके अलावा कोई आपको चीज़ नहीं चाहिए, पैसा हो सब कुछ हो, लेकिन बंदा आपको रिस्पेक्ट ना कर रहा हो ना, आपको मतलब एक अजीब उसने तरीके से बात कर रहा हो, अच्छे से ना आपके साथ वो बिहेव कर रहा हो, तो वो फ़ायदा नहीं उस बंदे का. ठीक है. तो मेन चीज तो मेरे लिए हमेशा थी जाहिर है लुक्स भी. जब उन दिनों में जाहिर है लुक्स लुक्स भी उन दिनों एक फिल्म कर रहा था और मेरी दाढ़ी थी. जब मैं फर्स्ट टाइम गया ना तो मैंने कहा यार ये तो सीधा. आप क्या कह रहे हैं दाढ़ी से? और पहली दफा मैं आपने इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने इतने लंबे बाल, मैं तो पहले मैंने तालिबान मैंने थोड़ा दाढ़ी साफ हो जाएगी, सिर्फ हो जाएगी. हां तुसा समझे वैशी गुजर. वैशी गुजर बिल्कुल. तो हाँ जी, तो इसीलिए फिर मैंने भी अपने पेरेंट्स को ही कहा, मैंने कहा जो आप लोग कहेंगे
जो आप लोगों को ठीक लगता है आप विदाउट मतलब नोइंग सवाल जवाब तो बहुत हुए थे जिस दिन मैं पहली दफा गया ना ऊपर से मेरा गेटअप ऐसा था मैं काट भी नहीं सकता इसलिए कंटिन्यूटी थी फिल्म चल रही थी उस वक्त शूट हो रही थी दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे चलाने जरूरी थे इंतजार कर लेते फिल्म के हमारे मायों वाले दिन इनका शूट चल रहा था और हमारे घर के पीछे ना इनका वो कोई किसी मूवी का सीन था कि कमर्शियल था वॉल्टन के ना वहाँ पर एयरपोर्ट तो वहाँ पे कोई जहाज का सीन था तो मुझे याद है कि मैंने मायों का जोड़ा पहना तो सारे हम लोग छत पे गए और इनका शूट चल रहा जहाज से यूं कर रहे हैं हम आपस में एक दूसरे को वेव कर रहे हैं और शाम को हमारा मायों था तो उस दिन भी ये शूट पे ही थे ये हुस्न इत्तफाक था कि ये पूरा डिजाइंड इवेंट था ये अल्लाह मियां ने डिजाइन किया अच्छा मेरा ख्याल है कि ये हर चीज प्लान जब राइट टाइम होता आप अगर टाइम से पहले किसी चीज को पिचन करते हैं तो वो नहीं जब राइट टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली चीजें ऐसे हो जाती हैं जैसे आप कहते हैं यार ये तो इतना इजी था हो गया तुसा कितने अच्छे लोग हो ना बड़े लोग बड़ियां गल्ला ते ए इधर तको ना तुसी जहाज तो वेव कीता ते ए जे रिश्ता लेना आए ते किराया भी असी दिता पण ए ते बड़ी गलत गल है ओ जी बस वैसे गरीब बंदे ने कोई जिंदगी नहीं हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है यकीन करो अमीर बंदे ना गड्डी ने एक्सीडेंट हो जुले ना आखने कोई गल नहीं और अच्छी रहसी गरीब बंदे ना 10 रुपए ना नोट गुम हो जुले ना सुत्ते बच्चे की उठाने उठोए तेरे थले ते नहीं आए ये हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ ये आपके दरमियान भी आई कभी ये फाइनेंशियल इश्यूज कभी पैसों पे झगड़ा कभी बिजली के बिल पे झगड़ा नहीं हुआ नहीं इस तरह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जाहिर है इश्यूज तो जाहिर कोविड के टाइम पे थोड़ा सा था ये एक जाहिर है वो तो पूरी वर्ल्ड वाइड इशू था ये तो तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कभी झगड़ा नहीं हुआ या कभी अगर थोड़ा ये अगर डाउन हो जाते तो मैं इनको सपोर्ट करके मतलब समझा समझू के थोड़ा इनको रिलैक्स करके अगर कभी मैं थोड़ा सा डाउन फील करूँ या कुछ तो ये मुझे आपस में एक दूसरे को हम लोग फिर समझा कर लेते हैं जी कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अरेंज मैरिज में कैसे होगी क्योंकि अरेंज मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब ज्यादा है लव मैरिजेस की नस्बत हमारे सारे पेरेंट्स वगैरह जो हैं उनकी शादियां अरेंज ही थी तो इतनी डिवोर्सेस नहीं थी जितनी अब लव मैरिजेस में लेकिन आपके केस में कैसे और ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये किसकी तरफ से कोऑपरेशन ज्यादा रहा सपोर्ट ज्यादा रही दोनों की तरफ से एंड आई फेल इन लव विद हर आफ्टर आई गॉट मैरिड वेरी गुड तो इतनी खूबसूरत भाभी और आपको लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ लव एट फर्स्ट मैंने कहा ना मैंने नहीं देखा था ये अभी तक नहीं यकीन करती और मैं बताता हूँ वाकई ऐसी बात नहीं मानती मैं इस चीज को ना मानो यार मैं मतलब अब कैसे बताऊं आज दसो जी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सारा कुछ है वे मन्नी आज भी नहीं मन्नी आज भी नहीं है मनाई किनो तुसी आज पावे अरेंज होवे ते पावे लव मैरिज होवे जनानी ने मनना नहीं अच्छा तो ये अच्छी बात है नहीं अच्छी काम नहीं है लेकिन वो मान जुले ना तो फिर बंदे दिया में जरा और टोर चोर खत्म हो जाती ना भाभी ये इस पे बिलीव नखरे शखरे पे और इस पे बिलीव करती है नहीं नखरा नहीं मैं नखरा वाली हूं ही नहीं बिल्कुल भी नहीं ये तो आप इनसे पूछो अगर मैं कोई नखरा शखरा या कभी कभी मुझे होता है मुझे करना चाहिए थोड़ा नखरा लेकिन आदत ही नहीं है तो फिर लड़ाई हो तो कैसे पता चलता है कि अब आप नाराज है रूठी हुई अब अगर देखें अगर मेरी है गलती तो मैं ही मनाऊंगी इनकी है तो जाहिर है फिर यही मनाएंगे मगर पता कैसे चलेगा लेकिन अगर कोई आपका सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है ये सारे शादीशुदा जोड़ों के लिए भी है कि अगर लड़ाई हो या किसी भी चीज पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई तो उसको उसी वक्त सॉल्व करें उसको प्रोलॉन्ग ना करें इसलिए कि रात गुजर जाने ये आपने सुना भी होगा कि एक रात गुजर जाए तो वो चीज प्रोलॉन्ग हो जाती है दिल में बैठ जाती है यस तो उसको जो भी चीज है उसको सॉल्व करें हमारा मजहब भी यही कहता है ये तो मियां बीवी के दरमियान बात है ना कि रंजिश को जड़ नहीं पकड़ने देनी चाहिए कि मुसलमान भी कि 3 दिन से ज्यादा आप किसी दूसरे के साथ कतई ताल्लुक ही ना रखें झगड़ा ना रखें सो ये देखिए हमारा रिलीजन में बता रहा है कि आपने प्रोलॉन्ग नहीं करना है उसको खींचना नहीं बिल्कुल सही गल की थी ने उन तक को ना स्कूल में 2500 रुपया उधार किंदा 10 बारी दे रही हैं इसकी फिर कहने तू नहीं देते दे ऐते हक बंदा है ताड़ा उधार अपनी जगह ना ऐते ताड़ा हक बंदा है बिल्कुल ठीक है सही करते सही है वैसे वे ख्वातीन अक्सर ना ये हिसाब किताब कह रहे हैं ख्वातीन कहने पे बहुत ज्यादा होता है इधर भी होता है कि मतलब उन्होंने आपको पैसे दिए हैं यार खर्चे में से फिर वापस लिए हैं तो आपने पैसे इनके होते ही मेरे पास हैं सारे के सारे मतलब वो अब ये जो आ गया ना नया सिस्टम वो ऑनलाइन बैंकिंग वो
आए नहीं और वहां से गए नहीं, इनको सिर्फ मैसेज जाता है कि निकल आए और चले गए। ओके, भाभी वैसे वेरी वाइज स्ट्रॉन्ग। किसी बंदे को कंट्रोल करना है तो उसके फाइनेंसेस कंट्रोल कर लो। ये पूरी दुनिया ने मुल्क इस तरह कंट्रोल किए कि फाइनेंशियली कंट्रोल कर ले, बाकी सब कंट्रोल में। बिल्कुल सही है। कुछ दसो की करिए एक गलत है, तुसा जो मर्जी आखो, शादीशुदा बंदा बीवी ने सामने सिर्फ एक टाइम मुंह खोल सकना। कौन सा टाइम? जमाई के निर्णय टाइम, बस उस अलावा नहीं। इतने बेबस हैं आप? हैं? प्राइम मिनिस्टर घर का प्राइम मिनिस्टर होता है। वेरी गुड, बट किंग तो किंग होता है, सॉवरन जो सॉवरन पावर जो है वो तो है ना। वैसे मिल पे जान प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम खत्म हो गए तो तुसी बाहर जाके को बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी, आते मारे तू ये अच्छी करी छोड़ी ने। नहीं लगता नहीं है, जो बड़ी जेन्युइन सी आप लोगों की वो है। ये जो जो स्पार्क हुआ लव, शामिल ने तो अपना बता दिया शादी के बाद हुआ। When you realize भाभी के शुक्र है कि मैंने सही बंदे से शादी कर ली। I never asked this question. ये बड़ा What was that moment कि जब आपने कहा शुक्र है यार मैंने इसको ना नहीं कह दिया था। जब जब मैंने कोई कोई गलती की, कोई कुछ किया, उसके बाद शामिल ने मुझे समझाया और मुझे सपोर्ट किया, उस टाइम पे मैं कहती थी शुक्र है। He's the right choice. और जहाँ तक आप ये कह सकती हैं कि प्यार, वो तो मेरे ख्याल से डेली डे बाय डे बढ़ रहा होता है। शुरू शुरू में आपको प्यार नहीं होता, शादी के 3-4-5 साल आपको प्यार नहीं होता, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये कैसा बंदा है, ये बंदी कैसी है। आप 3-4 साल तो आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, इसकी हैबिट्स क्या हैं, इसको क्या चीज़ लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से बच्चे भी थोड़े आपके, और बड़े जब छोटे बच्चे भी नहीं, जब थोड़े से बच्चे भी आपके इंटेलिजेंट होते हैं ना, तब आपको समझ आती है कि आपका जो शौहर है वो कैसा है और आप लकी हैं कि नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में कि मैं हर रोज़ यही अल्लाह से शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत अच्छे माशाल्लाह हेल्पफुल, और डे बाई डे मेरा लव इनके लिए ना और रिस्पेक्ट बढ़ रही है। वाह जी वाह जी, दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड a woman or a man can have. Oh, yes. के उसको endorse कर दे उसका partner. Yes. अच्छा जी, अच्छा थोड़े से questions की तरफ आते हैं, जरा तेज तेज वाले। अगर आपके पास भाभी सिनेमा के दो टिकट्स हों, शामिल को नहीं आपने लेके जाना है, तो दूसरा कौन होगा साथ? मतलब दो टिकट्स हैं, बच्चों में से किसी को लेके जा सकती हैं, फ्रेंड को ले जा सकती हैं, फैमिली में से ले जा सकती हैं। नॉट शामिल, बड़े बेटे को, मुराद को। बड़े बेटे को लेके, सेम ऑप्शन आपके पास हो, आप किसे लेके जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। भाभी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बहुत दफा गए बच्चों को लेके मेरे बगैर। नहीं वो तो सारे पूरे भाइयों बहनों के, वो दो तो नहीं थे ना, दो का कह रही तो दो पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी को दे दूंगा, किसी को दे दूंगा कि तुम चले जाओ। वाह अच्छा जी, कौन सी आदत है भाभी जो शामिल में आप बदलना चाहती हैं? बहुत सारी आने जी, बहुत सारी नहीं है लेकिन एक है जो बहुत अनोइंग है और सबको पता है। वो खाना टेबल पे लगा होगा, चाय आ रही होगी, ट्रे आ रही है चाय की, द मोमेंट खाना लग गया, चाय टेबल पे सर्व हो गया, सब कुछ हो गया, शामिल उठ के चले जाते हैं। दुआओं हम लोगों के घर पे है कि खाने से पहले हम लोग बैठ के दुआ करते हैं सारे। अभी मतलब इतना फिर ये अनोइंग और इरिटेटिंग चीज़ है शामिल की, ये मैं नहीं अभी तक इसको चेंज कर पाई कि शामिल कहाँ जाते हैं आप, जैसे ही खाना लगता है और पता है उनको उस भाभी फोन कहाँ होता है जब ये जाते हैं? पता नहीं कुछ सारे दुनिया के काम उसी टाइम पे आते हैं जिस वक्त खाना लगता है, जिस वक्त चाय आती है। और शामिल खान साहब जी, शामिल खान साहब नहीं, मैं हाथ धोने जाता हूँ। हाथ पहले तो आया करो ना, तू उसे याद आंदा ना कि ओहो हाथ तो ही नहीं। नहीं लेकिन वो इतनी देर के आप मतलब कि हाथ धोने में तो 2 मिनट लगते हैं, भाभी जितना कि नोएडा उससे मुझे लगता है कि आधा घंटा तो डाल दे घर वाले, घंटा तो नहीं मतलब 2-4 मिनट 5 नहीं। वैसे मैं कहना है चंगा कीता ने, क्योंकि गरम-गरम खाना भी नहीं चंगा होना ना, है ना? इतनी देर जरा बैलेंस हो थोड़ा सा। चले चले हिकमत आ गई इसमें। सेम क्वेश्चन आपसे, वो कौन सी आदत है भाभी में जो आप बदलना चाहते हैं? हे मेरे को लात पूछंदा ना पूछे। नहीं कोई नहीं है, वो सिर्फ मैसेज आ जाता है उससे भी इरिटेट नहीं होता, ये मेरे अकाउंट में इतने तो नहीं दिया करो, नहीं, मैंने वहां देने थे वहां करने थे। नहीं मैं असल में मैं ये टेक्निकल चीजों में ना बड़ा क्या कह ले लेट बैक
कहते हैं उसको कि मुझे नहीं इतने पासवर्ड्स मुझे नहीं याद, सब कुछ इसको याद है. तो मैं अगर अमेरिका में होऊंगा ना तो मैं कॉल करके यार उसका पासवर्ड क्या है मुझे बताओ, तो फिर ये मुझे बता रही होगी अच्छा ओके ठीक है, अच्छा उसके यार वो पैसे थोड़े ट्रांसफर कर दो, ये इस तरह वाला सीन है. अच्छा सो आपके फोन के पासवर्ड्स भाभी को पता है? नहीं पासवर्ड वैसे नहीं लगा हुआ, लेकिन और चीजों में ये जो सारे अकाउंट्स वगैरह जो बनाए मैंने बनाए हैं, और फिर मैं भी भूल जाती हूँ. अब तो मैंने एक डायरी रखी हुई है, उसमें अपने भी रखे हुए हैं, इनके भी रखे हुए हैं सारे पासवर्ड्स वगैरह के, क्योंकि बंदा बार बार चेंज भी नहीं कर सकता, भूल जाती हूँ ना मैं भी. तो वैसे भाभी ये तो ना सियासी बयान लगना, मर्द जितना मर्जी बहादुर होवे ना बीवी को उसने फोन आ जुले ना उसने तरह निकली जुलना. मेरा पड़ा हुआ होता इनके तो फोन में पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ. हाला चले गुड जी, मान लेते हैं ससुराल वालों के आने पे घबराहट किसको होती है? मैं तो रहती ससुराल में हूँ. जॉइंट फैमिली सिस्टम? जॉइंट फैमिली, वी लिव ऑन अ फार्म इधर. अच्छा लेकिन आई थॉट के अच्छा सो लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज नो इशू? नो, डांट डपट पूछ पड़ उसमें कभी शुरू में था मुझे थोड़ा सा जाहिर है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं शादी से पहले भी न्यूक्लियर फैमिली में थी, मेरे पेरेंट्स और हम बहन भाई थे, इतना मुझे आदत नहीं था. लेकिन अब शादी के बाद एकदम से जब हम लोग 2 साल लाहौर में रहे, उसके बाद माशाल्लाह फिर हमें इस्लामाबाद जब मूव किए तो भरा हुआ घर मिला, क्योंकि सारे माशाल्लाह 4 भाई 3 बहनें पेरेंट्स सारा कुछ माशाल्लाह, तो एकदम से ज़रा मुझे हुआ कि माशाल्लाह बिग फैमिली. और लेकिन ऐसा ऐसा सेटल हो गया अब तो खैर माशाल्लाह. तो ये जो चलते हैं भाभी ये जो प्लेज एंड सोप्स एंड जॉइंट फैमिली के ड्रामे चल रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं कुछ भी नहीं है. तो क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो तबाही है? नहीं नहीं नहीं, होती भी होगी, इट्स अ ब्लेसिंग, होती भी होगी उन लोगों के लिए, नो डाउट. अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेना, वही बात कि हर इंसान को आप परख लें कि ये ऐसा है, इसकी आदत ऐसी है, इसकी अगला अपनी आदत तो चेंज नहीं करेगा ना आपके लिए. लेकिन आप उन लड़कियों में से नहीं है जो कहते हैं मैं तो अपना घर बनाना चाहती हूँ, मेरा घर थोड़ी है, ये तो आपकी आपके अब्बू का घर है, आपकी अम्मी का घर है, ये मेरा घर नहीं है, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन लिटिल हाउस. आजकल ये भी बहुत मसला है शामिल लड़कियों की तरफ से. लेकिन मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आई ना यहाँ पर. अगर तो मेरी सास ऐसी होती कि मुझे हर चीज़ से मना करती कि ये मत करो मेरा घर है ये वो, हमें हमेशा से यही कहा गया है आप लोगों का घर है, आपने जैसे इसको करना है, तो इसलिए इसको अपना समझते हैं और इसी को अपना मतलब हम लोग लेके चल रहे हैं. अगर और एक्सटेंड भी हो रहा है, एक्सटेंड भी हो रहा है साथ साथ. अगर मुझे मेरी सास और या फैमिली इस तरह की फीलिंग देती तो शायद मैं भी यही कहती. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छी और लविंग मेरे फादर इन लॉ थे अल्लाह बख्शे, और सास मेरी हयात है, और वो माशाल्लाह बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग और लविंग खातून है. ठीक है ग्रेट. आपसे भी अगर पूछा जाए ससुराल वालों के आपके ससुराल वाले जब आए तो फिर क्या रिएक्शन होता है? आप मेरी तो बड़ी दोस्ती है इसके आगा कहता हूँ मैं अपने फादर इन लॉ का, तो मेरी तो लाइक गुड फ्रेंड्स. वो मेरे से ज्यादा खुश होते हैं ये शामिल आ रहे. लेकिन मुझे सास के आने पे कुछ एक खास अनॉइंस होती है दामाद में, वो नहीं क्या आजकल ऐसे आई नहीं है? कल रात को बल्कि कल ही आई है यार. ठीक है तो घबराहट नहीं होती शामिल को, घबराते नहीं, परेशान नहीं. अच्छा वेरी गुड. बच्चों को किसके पास जाके बच्चे जो है बातचीत करते हैं दिल की? शामिल. क्यों आप सख्त हैं बहुत? मैंने तो क्योंकि कहते हैं ना पेरेंट्स में किसी एक को थोड़ा सा लीनियंट और थोड़ा सा एक को, बट यूजुअली इट्स मैन फादर. नहीं नहीं मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, शामिल जरा फ्रेंडली टाइप के हैं तीनों के साथ, बेटी ये के साथ. रोल रिवर्सल आपकी तरफ क्यों? क्योंकि घर में हर घर में तो अब्बा को अब्बा बनाया होता, अब्बू आ जाएंगे. मैंने मुझे खुद ही अब्बा बना दिया. मैं शूट पे होता हूँ फोन आ रहा होता है, मैं कहता बस आके फिर मैं पूछूंगा. अच्छा फिर शॉपिंग पे जब जाते हैं तो आपसे तो कुछ लेने की जरूरत नहीं होगी, भाभी तो खुद ही निकाल के पेमेंट कर दिया करती होंगी ना, है ना? तो फिर तो बस कोई मसला ही नहीं होता. मेरी चीजें भी यही, आपकी शॉपिंग भी यही करती है. आपको पता है भाभी की क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? कभी आप लेकर आई उन्होंने कहा नहीं ये कलर मैं नहीं पहनूंगी. जब हुई थी शादी वो मेरी सारी वार्डरोब उठा के फारिग कर दी ना, मेरे पास हर कलर की मेरे पास टी शर्ट थी. सर्कस के किसी बंदे का वार्डरोब खोला, हर कलर की ऑरेंज रंग की पैंट,
पिंक कलर की शर्ट सॉरी इस टाइप के ना कलर्स बहुत ज्यादा मतलब तो अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं कलर्स दिए हैं तो उनको एंजॉय करो पहनो भी तो हमारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि भाई फ्लोरेसेंट कलर नहीं पहन सकते क्यों नहीं पहन सकते ए तुसी पाबी जी सर्कस दे जिक्र कर दियो साडे तरफ क्यों तकिया नहीं असली कलर इनके पहने नहीं लेकिन आप दोनों ने बहुत प्यारा कलर है पिंक असली बहुत समझदार असली समझ गए आप दोनों ने भी बड़े खूबसूरत कलर्स पहने हुए तो ये जब कहीं जाना होता है तो वार्डरोब सिलेक्शन भी फिर आप ही करती हैं नहीं वो ये खुद करते हैं अच्छा। मैं बस बता देती हूँ जिस तरह अभी आने से पहले इसके ऊपर एक जैकेट पहने थे मैंने कहा वो मत पहने अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ज्यादा वो अपना खुद ये सोचते हैं फिर मैं अपना बल्कि पूछती हूँ कि मैं ये पहनूँ हाँ ठीक है ठीक है कभी कॉम्प्लीमेंट देती हैं भाभी कौन सी हीरोइन के साथ जोड़ी ज्यादा अच्छी है कहाँ पे किस रोल में आप ज्यादा जज रहे हैं क्रिटिकल ओपिनियन स्क्रिप्ट जब आती है ना तो पहले पहले होता था अब मैं नहीं देता 5000 पर स्क्रिप्ट रीडिंग का हाँ Okay. तो मैं रीडर मेरी ये हिना थी ना कि तो मैं नहीं मेरे से नहीं पढ़ी जाती पूरी या अच्छा। मैं ऐसे कहता हूँ अच्छा बैठा हूँ मुझे सुना दो बस क्या है तो कि करना चाहिए ये कि नहीं करना चाहिए तो फिर शी इज द वन हूज अब मैंने भी छोड़ दिया मैंने कहा अब तो पूरी रेट बढ़ गए रेट बढ़ गए आप मेरा रेट नहीं बढ़ा रहे हैं शिफ्ट का तो मैंने भी छोड़ दिया कुछ पढ़ते हैं बिल्कुल सही गिफ्ट शिफ्ट्स पे फिर मेरा ख्याल है आप डायरेक्ट ही खरीद लेती होंगी मांगने के जरिए ही देते हैं अलग से मैं ज्यादा देती हूं गिफ्ट्स इनको ये जरा भी ले पैसा ही तो संको लो मैं होंदा ही कुछ नहीं मैं की दवा ओके बेचारे मांग के किसी के क्या सन दो मुझे कहेंगे मैं थोड़े से वो कर देना मैंने आपको गिफ्ट देना है अरे हाउ रोमांटिक ही इज भाभी ही इज कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने रोमांस को बहुत ज्यादा हर वक्त नहीं करते लेकिन करते हैं कोई गाते वाते गुनगुना देते नहीं गाते नहीं है मैं बहुत दफा इनसे कह बस स्टूपिड कर लेती हूँ बातें कि इस तरह आप कहते हैं यार नहीं 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 ऐसे नहीं मेरे ऐसे हो सकता कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं होता छेड़ती वेड़ती हूँ लेकिन अपना इनका एक डिफरेंट स्टाइल है गाना शाना वाला सीन नहीं है बच्चों के साथ डांस वांस करते हैं मेरे साथ भी कभी कभी कर लेते हैं डांस लेकिन जब मंगनी का पीरियड चल रहा था जी तो उस टाइम पे बंदा कोई गाना आप दोनों का जो आपकी लव स्टोरी को या आपकी स्टोरी को डिफाइन करे आपकी लाइफ स्टोरी को करे कोई गाना एक दूसरे को बंदा भेजता ही नहीं कि यार ये है कोई ऐसा गाना नहीं उस वक्त नया नया आतिफ का एक गाना आया हुआ था वो पहली नजर में जो किसी इंडियन मूवी का था नहीं आतिफ असलम का एक गाना वो उस टाइम पे नया आया था तो वो बस हम लोग सुनते थे यार वो मैंने परफॉर्म किया था पूरा वो मैंने फिर बुलाया भी था इनको और ये आई थी उस पे मैंने परफॉर्मेंस थी पूरी स्टेज पे थी ये अपनी वेडिंग के उसमें नहीं नॉट ऑन द वेडिंग एक शो था उसके फिर आई इनवाइटेड बिल्कुल सी बट नहीं हुई भी थी ना नहीं नहीं शादी हो गई थी ये इतने भुलक्कड़ी तुसी सारे पैसे किन्ने के दे प्रावा मां कुछ भी नहीं याद रहना कहने मंगनी हुई सी शादी कोई याद नहीं है 16 साल उम्र कैद हो गई है भाई उम्र कैद से ऊपर निकल गए ये 16 साल ऐसे गुजर गए अभी तो बहुत सारा और टाइम जो है वो इंशाल्लाह आना नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक तुसा की खुश रखे बहुत अच्छी तुसा की भी खुश रखे किथे क्यों शाहरुख हमारे साथ है और भाभी और शाहरुख इनको आज क्या आप शामिल को डेडिकेट करेंगे सॉन्ग शाहरुख
अमेजिंग है ना, बहुत खूबसूरत आपने अली जफर के गाने को ना पता ही नहीं लगा कि अली जफर को हमने मिस किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत कम। इन एक गाना डेडिकेट किया ते मैं भी डेडिकेट कर सा किसनो ओ कदया मिल शामिल यार वे तेरी एक्टिंग बड़ी कमाल वे ओ कदया मिल शामिल यार वे तेरी एक्टिंग बड़ी कमाल वे मुक गया बस चले ये भी बड़ा कमाल आना शुरू हुआ था। हाँ अभी तो अच्छा, लेकिन शामिल मतलब वाह क्या फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्को डांस आपको कर रहे थे, मुझे लगता है खासा ही कोई शौक वॉक रखते हैं है भाभी, कोई पार्टी वार्टी के शौकीन है? बिल्कुल। अच्छा और आप भी हैपनिंग है क्या, आप चुप करके देखती रहती? नहीं, नहीं, है? मैं नहीं जा रही। नहीं, कभी कभी हाँ। आप शाम 7 दिन को देती है इनका, रोक टोक करने वाली तबीयत है मेरी? नहीं नहीं शामिल की है सिगरेट पे मुझे, मैं आए स्मोक तो गलत है, इसने मुझे कहा कि ना पिए, मैंने कहा ओके, तो मैंने 6 महीने के लिए छोड़ दी। 6 महीने जब गुजरे तो फिर मैं सोचा, मैंने कहा यार क्यों छुड़वाई है, क्या वजह थी, तो फिर मैंने शुरू कर दी। तो फिर आपने फिर मान लिया इसका मतलब क्या, रोकना मना कर दिया? ठीक है। अच्छा ये मैंने उनसे तो पूछा ही, आप लोगों के कपड़े जो हैं ये कौन तय करता है? अभी आप निकले हैं पैसे गुड वन पैसे तय करने दे, जितने पैसे होवन उतने कपड़े बस ठीक है, ए इस चा के देते इसमें कभी-कभी मैं ना कमीज भी पाई कि ना कलर तो को ना जाहिर रंग एक दूसरे के बड़े मिलते जुलते हैं। अच्छा वो तो बड़ा अच्छा डांस परफॉर्म कर रहे थे ना, कि आप ये क्या क्या, आप ये क्या कर रहे थे? मैं हां ये जरा जदीद किस्म ना डांस है ना। अच्छा हां अले याद नहीं होया। अच्छा इस प्रोग्राम के बाद याद हो गया। सही जबरदस्त। अच्छा हम एक छोटा सा वो गेम करने लगे कि भाभी कितना इशारों किनायों में आपको समझती हैं और आप कितना भाभी के सिर्फ जिसे कहते हैं ना आंखों के इशारे और सिर्फ समझ लेते हैं बात को। सो उसके लिए मैं चाहूंगी कि एक हेडफोन आपके पास पड़े, मैं अगर आप ये हेडफोन लगा लें, पहले आप लगा लें ठीक है? ठीक है। और भाभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप यहाँ पे आ जाए ठीक है, आप यहाँ पे आएंगी और जनाब हेयर वी स्टार्ट रेडी। अच्छा मैंने क्या करना है? शामिल को मैं आपको मैं एक लफ्ज़ बताऊंगी और आपने वो बोल के भी अच्छा, और समझाना भी है शामिल को। अच्छा ठीक है, आपको समझ आई हमने क्या कहा? क्योंकि इनके कान इस वक्त म्यूजिक में बहुत घुसे हुए हैं ठीक है। सो आपने क्या ये लिखा हुआ? दिल से ना भूला। हाँ ये पूरा पढ़ना है। हाँ ये पूरा पढ़ना है और ये शामिल को आपने समझाना है। अच्छा ये तो देख ही नहीं रहे। देख रहे हैं, देख रहे हैं। आई लव उर्दू। मैं हाँ मैं मेरा दिल है ना मैं और क्या कहते हैं उसको मैं मेरे हाँ आप मुंह से भी बोल सकती हैं ताकि आपके लिप्स से भी हो। अच्छा, मेरे, हाँ, मुझे सुना। मेरे मुझे मुझे दिल मुझे मुझे देखें इधर मुझे दिल से ना भुलाना मेरे मुझे मुझे हाँ दिल दिल से ना भुलाना भुलाना। वेरी गुड। सो फाइनली एक मरहला जो है वो सर हुआ। तो अच्छा जी भाभी चलो ठीक है, ये आपने एक्टिंग करके शामिल को बतानी है। जी ओके। सारी दुनिया सारी सारे सब तो सोनिया सब तो सोनिया नहीं समझ आ रही सारे सब 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 हाँ सब तो सोनिया सोनी सोनिया हाँ सोनिया सब तो सोनिया
कोड़िया कोड़िया यार सब तो सोनिया सोनिया सब तो हाँ हाँ सोनिया सोनिया यस वेरी गुड फाइनली फाइनली वी आर देयर कितनी पागल लग रही हूँ ओके जी तीसरी लाइन है भाभी आपके लिए दिन प्यार दे लेकिन आपने सिर्फ माही 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 वे मैनू पुल ना जाना पुल ना जाना फूल नहीं माही 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 माई हाँ हाँ माही वे मैनू माई वे मैनू मैनू मेरे मैनू मैनू मैं मैनू हाँ मैनू हाँ पुल ना जाना पुल पुल में ना जाना पुल भूल ना जाना भूल ना जाना भूल 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 माही वे मैनू पुल ना जाना पुल ना जाना हाँ ओके जी वेरी गुड लेकिन फिर भी बड़ी बात है अभी उतार लें आप उतार लें ओह देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ भाभी आइएगा यहाँ पे वापस और शामिल साहब आप जरा इधर आ जाएं और भाभी ये हेडफोन्स आप इसी तरह लगा लें अपने कानों पे ठीक है जी आप शामिल की जगह पे बैठे बैठ जाएं और शामिल साहब ये आप यहाँ पे तशरीफ रखेंगे और हम अभी जो भाभी के साथ गुजरी है आपके साथ गुजरी है वो अब भाभी के साथ गुजरेगी ठीक है एंड सो भाभी आर वी ऑल सेट जी तो शामिल साहब अब आप पे आप भाभी की जगह पे हैं और अब भाभी पे वो गुजरेगी जो आप पे गुजरी है तो आपके लिए अब जो है भाभी आपकी लिपस्टिक ठीक नहीं है कुछ नहीं ठीक है हेडफोन हमारे ठीक काम कर रहे हैं तेरे बाजरे दी राखी ये आपने भाभी को समझाना है मैं तेरे तेरे दिल तेरे तेरी तेरे तेरी तेरे तीन हाँ बाजरा बाजरा तेरे तेरी बाजरे की राखी वेरी गुड वेरी गुड जी वेरी गुड सो नेक्स्ट लाइन है मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मेरे मेरे ख्यालों ख्यालों मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी जिन मेरे मेरे हाँ ख्यालों ख्याल हाँ मेरे ख्याल ख्यालों ख्याल ख्यालों ख्यालों में छाई है मेरे ख्यालों में छाई है सूरत मतवाली वेरी गुड वेरी गुड वाह जी वाह आप भाभी तो बहुत जल्दी समझ लेती हैं आपकी निस्बत सो अगला है करा मैं नजारा जदों ओदी तस्वीर दा करा करा मैं नजारा आसमान जदों दी तस्वीर दा करा क्यों करा मैं नजारा जो उस खिड़की ओदी तस्वीर दा करा मैं नजारा न,
नहीं समझ आ रही नहीं जरा खुल के दूसरा कोई क्यू दे करा कर रहा करार कर हाँ करा कर करा 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 मैं नजारा जदो दी तस्वीर दा खिड़की तस्वीर तस्वीर तीन तस वीर 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 तस्वीर तस क्या तस्वीर तस्वीर अच्छा करा मैं नजारा जदों जदों किसकी तस्वीर किसकी ये बीवी वाला सवाल है किसकी तस्वीर किसकी तस्वीर क्या है वर्ड है गाना है क्या है गाना गाना अच्छा गाना गाना करा करा मैं नजारा जदों ख्यालों में तस्वीर आई हाँ, नहीं नहीं आई अब इसने पता नहीं वो गाना भी सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ सुना होगा सुना होगा अच्छा फिल्म का गाना है फिल्म फिल्म अच्छा मैं थोड़ा भाभी को सुनाती हूँ भाभी करा करा चल करा नहीं आ रही ना करा नहीं सब कर हाँ करा मैं करूं मैं अच्छा नजारा नजारा देखूं नजारा 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 करा मैं नजारा अच्छा एक सेकेंड करा मैं नजारा हाँ करा मैं नजारा ये So, प्रूव हुआ क्या भाभी को क्यों नहीं ठीक दे रहे थे भाभी इज जीनियस माशाल्लाह हां थैंक यू वेरी मच आइए जनाब यहां पे थैंक यू वेरी मच लेकिन हमें पता चला कि उफ तौबा चलें जी अब भाभी आप लोगों के पास ये यस एंड नो कार्ड्स हैं दोनों के पास एक एक पेयर प्लीज अपने पास रख लें और अब मैं आपसे जो बातें पूछूंगी उसका जवाब सिर्फ यस एंड नो में है ठीक है सो पहले जो क्वेश्चंस हैं ये शामिल के बारे में लव्स नहीं बोलना कुछ भी और आपने एक दूसरे के कार्ड्स भी नहीं देखने भाभी अच्छा। तो यस एंड नो सिर्फ आपने कैमरे की तरफ देख के रिस्पॉन्ड करना ओके नो चीटिंग एक ही टाइम पे सो शामिल साहब के बारे में पहला सवाल ये है कि शामिल बहुत कंजूस हैं आपने भी बता मैंने भी करना है। हाँ। अच्छा मैंने इनको नहीं आपकी राय के नहीं नहीं आपने बता दी अपनी ओपिनियन आपको क्या है इसको सीधा कर लें लेकिन सच्ची गल सामने आ गई लेकिन कंजूसी जो ऑन हो तुसी लेकिन दोनों का एक ही जवाब है ठीक है शामिल फीमेल फैंस को बहुत अहमियत देते हैं अब इसका पे यस एंड नो बस ओनली यस एंड नो ओनली वेरी गुड यार अंडरस्टैंडिंग है कम से कम दोनों में अच्छा शामिल गुस्से में बहुत चीखते चिल्लाते हैं yes. okay. आपने क्या कर रहे हो? अच्छा शामिल सारी की सारी फोन कॉल्स भाभी आपके सामने सुनते हैं कभी साइड पे नहीं गए ओके वेरी गुड वेरी गुड शामिल जहां मौका मिले फ्लर्ट करने का हाथ से नहीं जाने देते अच्छा जब भी कहीं बाहर जाएं हमेशा वापसी पे आपके लिए गिफ्ट लाना नहीं भूलते नहीं भूल नहीं मतलब भूलते हैं मतलब नहीं ये ही है इसमें ये ही है नहीं क्या है मतलब इसमें क्या कहूंगी मैं नहीं लाते नहीं लाते ना तो नो करें नो, हाँ डिक्लेयर करें वो कह रहे हैं नहीं मैं लाता हूँ मैं कभी कभी ले भी कभी वो कभी कभी ले भी अच्छा खाना सिर्फ भाभी के हाथ का खाना पसंद करते हैं ये क्या है नो अच्छा खाना बस मेरा भी हो बेशक लेकिन वो कह रहे हैं यस मैं सिर्फ बीवी के हाथ का पका हुआ खाना खाता हूँ नहीं वो तो खाते नहीं बाहर तो नहीं मैं खा सकता ना लेकिन ये है कि यस लेकिन अच्छा खाना होना बेशक घर पे किसी ने भी बनाया हो तो शौक से खाते हैं मेरा तो अच्छा खाते ही हैं शौक से खाते हैं अच्छा जी अपने एक्टिंग के गुरूर में बहुत रहते हैं नो
बिल्कुल नहीं। अच्छा शामिल पे अक्सर ब्लैक मूड्स आते रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सैड मूड में जाते हैं बहुत ज्यादा। नो नो ओके जी, आती है भाभी की बारी और भाभी के बारे में चंद सवालात हैं कि भाभी बहुत कंट्रोलिंग है, ये क्या है? नो नो नहीं। अच्छा भाभी भाभी तैयार होने में बहुत वक्त लेती हैं। नो अच्छा जी, भाभी बार बार और हर वक्त अपनी तारीफ बहुत सुनना चाहती हैं। नो नहीं। ओके जी गुड। शामिल के पर्स में कितने पैसे हैं भाभी को हर वक्त पता होता है? नहीं ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं किसी भी शूट पे हो शामिल तो भाभी बार बार फोन करती है? नहीं, मुझे करना पड़ता है कि भाई मैं कभी तो आपका शौहर हूँ। अच्छा भाभी शक बहुत करती है? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं करती। सुबह देर से उठने की शौकीन है? नहीं। भाभी को सेल्फीज बनाने का बहुत शौक है? नहीं। थैंक यू वेरी मच यार, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में इतना कुछ पता है, सारा कुछ पता है। आई थिंक देयर आर नो सीक्रेट्स एंड नो स्केलेटन्स। सीक्रेट्स होनी भी नहीं चाहिए, दैट्स द लवली पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, देयर शुडंट बी एनी सीक्रेट्स। जहां सीक्रेट शुरू हो जाए तो फिर काम खराब, फिर काम है। अच्छा भाभी तारीफ आप ज्यादा शामिल की करती हैं, शामिल ज्यादा आपकी करते हैं, आप ज्यादा करते हैं? हाँ। जरा हमें बताएं ना तारीफ करने का गुर क्या है, ये इनको भी समझ आए, फिर ये मैं इनसे भी कहूंगी अपनी बीवी की तारीफ। मैं हमारी तारीफ करना फरा जी मत, तो पता है क्या करने? हाँ। 10 रुपए मंगी गिनना, कहना उनमें इतना झूठ बोला 10 ते बन देने। लेकिन आपने शामिल तारीफ करना बतानी कैसे भाभी की, मतलब क्या तारीफ करते हैं भाई जी? आप बता, हर वक्त, हर वक्त, हर वक्त जब मेरा खाना अच्छा लगता है तो तारीफ करते हैं, जिसे नहीं अच्छा लगता तो हाँ, बहुत मैं बोलते देता हैं। अच्छा क्रिटिसाइज भी करते हैं? यस यस। बराबर हो तारीफ हाँ। एक दफा करके चुप हो जाते हैं ना हाँ। तो क्रिटिसाइज भी एक दफा करके चुप हो जाए, नहीं वो चलती रहती है, चलती रहती चलती रहती है। तारीफ तो एक दफा करके ओके हो जाता है ना काम, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वही चीज बनो अब प्लीज वैसा ना बनाना, मेरी नाक ना कटवा देना आप, ऐसा वैसा तो, लेकिन तारीफ करते हैं, ठीक है, तनकीद ज्यादा करते हैं। आपको भी हक है कि आप तनकीद कर लें उनके ऊपर? मैं करती हूँ बहुत। अच्छा काम के उससे? सिर्फ काम पे, काम पे, क्योंकि मैं कहती हूँ ना हेल्दी होगा आपके लिए अगर मैं क्रिटिसाइज करूंगी, अगर आपको बताऊंगी कि आप अगर इसमें ऐसे करते, इसमें ऐसे करें या इसमें ऐसे करें, तो कुछ चीजें कहते हैं हाँ ठीक है, क्यों मैं कहती हूँ ना मैं तो आपको एज अ व्यूअर का आपको बताऊंगी ना, क्रिटिसाइज करूंगी मैं तो एज क्रिटिक। तो हमने सुन लिया कि भाभी की जो है ना जाहिर है यार, जो स्क्रिप्ट जैसे कहें एडिटर हैं या फिर आप पूरी मैनेजर हैं एक्चुअली, सारा कुछ शामिल ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ, अकाउंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, लेकिन क्या शामिल भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों की ट्रेनिंग में, तरबियत में, उन्हें टाइम देने में, उनको समझाने में जाने में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बच्चे ज़्यादातर शामिल के साथ बॉयज़ जो हैं अटैच्ड हैं, तो हम लोगों का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सोशल मीडिया से दूर रखें बच्चों को, जैसे ये आजकल टिकटॉक स्नैपचैट वगैरह चीज़ें हैं, तो ये तो हमारी जनरेशन को मेरे ख्याल से ना खराब कर रही है, मतलब इजी वे आउट बता रहे हैं। नहीं अब्बा टीवी पे आते हैं और हमें सोशल मीडिया पे। डिफरेंट पता है, मेरी मेहनत है ना, मेरे काम में बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व होती है, आपने भी हमने वी हैव डन होल ऑफ आवर लाइफ प्रोजेक्ट्स टुगेदर, तो असल में ये इजी मनी और इजी फेम जो है ना ये हमारी यूथ को बहुत खराब कर रहा है। अभी पिछले दिनों ठीक है उसकी किस्मत में बच्ची की लिखा, लेकिन उसको मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, बट डांसिंग एंड गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, 2 crores एंड मतलब क्या, तो ये हमारी यंगर जनरेशन जो है ना इसको बड़े उल्टे रास्ते लगाने लगे हैं। मतलब आई एम नॉट, यू आर नॉट हैप्पी, नीदर आई एम, कि मतलब जो बच्चा 15-20 साल पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है उसके लिए नौकरी नहीं है, उसको फ्यू थाउजेंड्स अर्न करना महीने के जो है मुसीबत है, और यहाँ पे आप ये नहीं ठुमके लगाएं तो आप मिलियनर बिलियनर हो जाए, तो फिर सारी इकॉनमी नाश। हमारी गवर्नमेंट को, मेरे तो अपील है गवर्नमेंट से कि इस चीज को कम करें, या ये ऐप
मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐप नहीं ये आपको पता है अब ये ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੂ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਬਣਾਣੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੇ ਪਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ लेकिन मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये जो 12 साल से 16 17 18 साल की बच्चियां हैं, मतलब उनका अभी टाइम जो है वो उस मतलब अपना बॉडीज दिखाना और अपना गाने पे डांस करना, ठीक है करें आप, हम नहीं मना कर रहे, हम अपने बच्चों के साथ डांस करते हैं, बट फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स एज वेल, नहीं ताड़ी गल बिल्कुल ठीक है, तुसी सही बाणे पे हो, लेकिन मारी गल सुनो, ए जो बंदा कार होवे तो बंदा मोबाइल तो अपनी शक्ल तक ही खुश हो जाए, यार जे तुसी सेल्फी आई ना हर बंदा सेल्फी सेल्फी, आप देखिए हर चीज एंजॉय करनी लोगों ने खत्म कर दी है, शादी पे क्यों अब आप जाते हैं तो वहाँ अपनी सेल्फियां ले रहे हैं, अपनी सेल्फियां ली, खाना खाया और चले गए, अच्छा ये तो दूल्हा दुल्हन बेचारे शामिल चले, ये तो शादी है ना, चले आप सेलिब्रेशन, रिसेंटली आई बीन टू फॉर उमरा, तो मैंने देखा कि वो जनाब आप अल्लाह ताला के घर के सामने भी सेल्फियां ले रहे हैं, मतलब आप और तो और तवाफ करते हुए, इमेजिन आप तवाफ कर रहे हैं, तो और पाकिस्तानी लोगों में मैंने ज्यादा देखी, बाकी नेशनल्स के पास भी बड़े बड़े मोबाइल काम कर रहे हैं जिसके लिए आए हुए, मतलब हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, आपसे मिलकर हमें पता चला कि हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप्स जो है वो कितने खूबसूरत होते हैं और कैसे नर्चर किए जाते हैं, टू वेज बोथ वेज, यू बोथ आर माशाल्लाह वेरी लकी टू हैव ईच अदर, और हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे पीटीवी ग्लोबल के सब व्यूअर्स की, हमारी टीम की बहुत सारी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी, फॉर अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ अहेड इंशाल्लाह, और जाते जाते हम एक और खूबसूरत म्यूजिक का जो तोहफा है आपकी नज़र और अपने देखने वालों की नज़र करते हुए आप सबसे इजाज़त लेंगे, बहुत मज़ेदार जिंदगी की दुआओं के साथ, अपना ख्याल रखिए, हम सबको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, एंड शाहरुख का खूबसूरत सा गाना कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम से भोले भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोले भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। फूल से जिसका चेहरा काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा, झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल से जिसका चेहरा काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोले भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना।